प्रयागराज में भाजपा नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अखिलेश यादव गुंडे माफियाओं के माध्यम से भाजपा को हराना चाहते हैं। दो चीजें साफ हो गई हैं, एक तो जो टिकट उनका है उन्होंने माफिया और गुंडा को दिया है, और जब वह कहते हैं कि भाजपा को हराने के लिए दिया है, कोई समीकरण नहीं है, तो उससे एक बात साफ हो जाती है कि उत्तर प्रदेश की जनता गुंडे माफियाओं को फिर से उत्तर प्रदेश में नहीं आने देगी। इससे दो चीज साफ होती है, एक तो जो टिकट उनका है वो उन्होंने माफिया गुंडों को ही दिया है, और जब वो कहते हैं कि भाजपा को हराने के लिए दिया है और कोई समीकरण नहीं है, तो उससे एक और बात साफ हो जाती है कि वो खुद एडमिट कर रहे हैं, कबूल रहे हैं कि मैंने गुंडों और माफियों को टिकट दिया है क्योंकि भाजपा को हराना है। ये साफ हो रहा है कि अखिलेश जी के पहले तो टिकट वितरण से और दूसरा उनके बयान से कि वो टिकट खाली भाजपा को हराने के लिए देना चाहते हैं और वो गुंडे और माफियों के माध्यम से भाजपा को हराना चाहते हैं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो गुंडे और माफियों को फिर से वापस उत्तर प्रदेश में आने नहीं देगी, और इसलिए अखिलेश जी आपके जो सपने थे, जो मैंने पहले दफे कहा था कि मुंगेरी लाल के सपने हैं, वो मुंगेरी लाल के ही सपने रह जाएंगे।